प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज है आपके चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6। तो बच्चों अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं उनके अंदर हमने भी जो एंगल है वो क्या क्या कंडीशन होगी उसकी और उसके अकॉर्डिंग जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा होगा और एंगल कौन सा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उतनी बातों पर हमने चर्चा की। जिसके अंदर स्टूडेंट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो अभी तक हमने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा कि जो हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, स्टार्टिंग होती है यहाँ से, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3π/2 और ये आपका 2π/2। तो 0 से 2π लेकर हम उसके मुख्य मान अर्थात मेन वैल्यू को मानते हैं। बाकी आपको प्रीवियस लेक्चर अगर याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले जब भी एंगल दिया गया हो हम ये पता करेंगे कि उसका क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। ठीक है, जब भी आपको कोई एंगल दिया जाए तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। उसके लिए दो प्रोसेस, भी 180 के अकॉर्डिंग चल लो या 90 के अकॉर्डिंग चल लो। भाई 90 एक बार यदि किसी को 90 से डिवाइड करने का मतलब एक क्वाड्रेंट एक चतुर्थांश आपका क्लियर हो गया। इस तरीके से जितने बार 90 से डिवाइड हो आप आगे बढ़ते जाओ। लेकिन इसके बारे में कुछ होता भी, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, यहाँ पे 5π/2, 9π/2, 13π/2, इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आएगी। यहाँ पर 7π/2, 11π/2, 15π/2 ये वैल्यू आती है आपकी यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आगे चलती जाएगी, यानी हमें क्वाड्रेंट याद रखना है। और बच्चों आपको मैंने कहा था जो हमारी एंगल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना, जब आप थीटा को प्लस करोगे तब आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ना है, थीटा को माइनस करोगे तब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ना है। इसके अलावा मैंने ये कहा था कि इसके अंदर क्वाड्रेंट के अंदर हम ऑल पॉजिटिव लेते हैं, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इन सबको हम इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या लेते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव लेने का मीनिंग यदि जो एंगल है वो इस क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, चाहे वो जैसे फॉर एग्जांपल 360 में मैं 30 ऐड कर दूं, जैसे 390 डिग्री है तो वो इस क्वाड्रेंट में होगा। यानी 390 डिग्री पे चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, उन सब की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस क्वाड्रेंट के अंदर दो वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक तो होता है साइन और एक होता है उसका रेसिप्रोकल यानी उसका विलोम कोसेक। इस क्वाड्रेंट के अंदर यदि आपको याद हो तो इस क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो टेन है वो पॉजिटिव होता है और जो कोट है वो पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर होता है कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। इनके पॉजिटिव होने का कारण क्या है भी इस क्वाड्रेंट में, बाकी जो बचे वो नेगेटिव क्यों होते हैं, वो कारण मेरा आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इन दो क्वाड्रेंट में जो आने के प्रोसेस है वो सीधा थीटा एंड पाई बाय 2 माइनस थीटा, जो आपका 9th और 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है। फिर इस क्वाड्रेंट की जो मैंने प्रोसेस बताई थी, यदि आप पाई बाय 2 प्लस थीटा कर दो तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, पाई माइनस थीटा कर दो तो भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसे पाई यहाँ पे 3π, 5π, 7π, ये सब 9π, यहाँ पे 2π, 4π, 6π, 8π, ये सब इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो इन सब के लिए स्टूडेंट कंडीशन वही अप्लाई होती है, जैसे पाई बाई 2 प्लस थीटा, 5π/2 प्लस थीटा, 9π/2 प्लस थीटा, 13π/2 प्लस थीटा, इस तरीके से जितनी भी वैल्यू होगी वो सब के सब सेकंड में आएगी। पाई माइनस थीटा, 3π/थीटा, 5π/थीटा, 7π/थीटा, 9π/थीटा, ये वैल्यू भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही होगी। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस स्टूडेंट हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स है उनके अंदर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें ये सीखना है आज के इस लेक्चर में कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है उनके अंदर कैसे आया जाएगा और इसके बाद इनकी वैल्यू। तो देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आने का तरीका होगा पाई प्लस थीटा, कि यदि मैं पाई के अंदर थीटा को ऐड कर दूं, प्लस कर दूं,
पाई से, पाई में थीटा का मतलब बच्चों ये नहीं है कि सिर्फ पाई है, पाई का मतलब 3 पाई भी हो सकता है, 5 पाई भी हो सकता है, 7 पाई भी हो सकता है, 9 पाई भी हो सकता है, ठीक है, सब पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। आपको ये याद रखनी है, सिर्फ ये मैंने ये कहा था भाई रोटेशन करके एंगल से कितनी भी बार वो घूम जाए वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी जो पोजिशन है वो वही आएगी, और पोजिशन वही है तो उसकी स्थिति चेंज नहीं हो रही है तो एंगल की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो पाई प्लस थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे 6 बातें लिखनी पड़ेगी, साइन पाई प्लस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कोट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, एंड जो नेक्स्ट है वो है कोसेक पाई प्लस थीटा, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या वैल्यू होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव या नेगेटिव के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो आप देख सकते हो इस क्वाड्रेंट में टेन और कोट ये दो पॉजिटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट में टेन और कोट ये दो वैल्यू हैं वो आपकी क्या होती है पॉजिटिव। इसका अर्थ ये हो गया कि टेन के इक्वल में पॉजिटिव साइन रहेगा, बाकी सब के इक्वल में क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी कि इनमें पॉजिटिव बाकी सबके इक्वल नेगेटिव, लेकिन अब बात तक होगा क्या चेंज होगा नहीं होगा, तो बच्चों इस लाइन का जो मैंने कहा था जब भी इस लाइन के अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे तो वो नो चेंज यानी कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू वही की वही रहेगी, जैसे साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट। हाँ, लेकिन यदि इस लाइन के अकॉर्डिंग आप करते हो कोई वैल्यू फाइंड आउट तो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस लाइन के अकॉर्डिंग आप करोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट चेंज हो जाएगी, लेकिन अब हम जो चेंज नहीं होती उस लाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यानी यहाँ से साइन प्लस पाई प्लस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ऐसे देखो स्टूडेंट यदि आप रटोगे तो वैसे फॉर्मूले का कोई एंड नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूले तो पाई के लिए नहीं, 3 पाई के लिए भी होंगे, 5 पाई के लिए भी। यदि मान लो यहाँ पे 3 पाई हो जाए सभी की जगह, सभी की जगह 5 पाई हो जाए, सभी की जगह 7 पाई हो जाए, सभी की जगह सॉरी 11 हो जाए या 15 पाई हो जाए, तो उन सब केस में यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई सभी के लिए ये कंडीशन में स्टूडेंट अप्लाई होगी। लेकिन अब बात आती है यदि रटेंगे तो कितना पाई का एंड थोड़ी ना, वो तो कहीं तक जा सकता है, इसलिए आपको ये दो बातें याद रखनी पड़ेगी। नंबर एक उस पॉइंट को याद रखो, यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इस तरीके के सारे पॉइंट वहाँ होंगे, ठीक है। तो उस लाइन को, उस पॉइंट को याद रखो, यानी उस पॉइंट में जैसे ही हमने प्लस किया वो बिहेवियर पाई प्लस थीटा का ही होगा, दिमाग में ये रखिए। और फिर ये वैल्यू पाई है तो चेंज करना नहीं है, साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक, चेंज आपको करना नहीं है। इसके बाद सिर्फ साइन की, तो ये देख लीजिए भाई वो प्लस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो, थर्ड में, और थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, उसका क्या रीजन होता है वो मेरा आपको बताया हुआ है। तो बस स्टूडेंट यही बात है और आगे की चर्चा रहेगी, ठीक है, समझ आ गया होगा, फॉर्मूले याद रख लोगे, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट रहेगा प्रोसेस थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने का वो क्या रहेगा, तो ये आप ये देखिए, क्या मैं 3π/2 से यदि थीटा माइनस कर दूं, 3π/2 से यदि मैं थीटा माइनस कर दूं तो क्या मैं वापस थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आ पा जाऊंगा क्या। और बच्चों याद रखना थीटा की वैल्यू फिलहाल जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं वो 0-90 के बीच है, यहां पे लिख देता हूं, चलो 0 वहां इक्वल हो सकता है 90 डिग्री, कुछ नहीं कि बीच में ही रहेगी, बाकी एक बार यही मान के चलिए आओ ये फॉर्मूले इन पे ही ज़्यादातर अप्लाई होंगे, ठीक है, क्योंकि पाई माइनस जीरो पाई प्लस जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इसी लाइन के ऊपर ही रहेगा, क्लियर है स्टूडेंट, कितनी बात समझ आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ता हूँ, तो और फॉर्मूले लिखते हैं। तो अब जो हमारा स्टूडेंट फोकस रहेगा वो रहेगा 3π/2 के ऊपर। मतलब देखो इन फॉर्मूलों पे मैं ज़्यादा टाइम लगाने का मेरा ये रीज़न है क्योंकि ये चीज़ आपके लिए एक बार नहीं है, एकदम भी ऐसी बातें जो नहीं है एक बार उन पे टाइम लगाना ज़रूरी हो जाता है। इसका रीज़न ये हो गया
कि यदि एक वक्त, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट एक ऐसा पोर्शन है आपके मैथ का जो आपके आगे तक यूज रहेगा, और इससे रिलेटेड फॉर्मूले हो, इसकी प्रोसेस हो, हमेशा हमारे काम में आएगी। इसलिए ये पोर्शन आपका स्ट्रोंग होना जरूरी है, ठीक है। तो यदि स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूँ 3π/2 - θ की, तो सबसे पहले एक बात लिख देता हूँ, इस साइन के अंदर लिख देता हूँ इसको, साइन 3π/2 - θ, कोस 3π/2 - θ, टेन 3π/2 - θ, कोट 3π/2 - θ, टेन 3π/2 - θ, एंड सॉरी sec आएगा स्टूडेंट, टेन गलती से आ गया sec, और ये आएगा cosec 3π/2 - θ। इतनी बातें दिमाग में रह जाएगी, हमने किस एंगल के आधार पे हम ये प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमें साइन को देखना है। एक बात साइन देखिए, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही हो तो टेन और कोट के पॉजिटिव, बाकी सबके नेगेटिव, इतनी बात समझ आ गई। अब बात आती है भी चेंज करना है नहीं चेंज करना, तो अब देखिए मैं जो पोजीशन है वो किस लाइन के आधार पे कर रहा हूँ, इस पाई बाई टू वाली लाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूँ, पाई बाई टू के ऊपर डिपेंड कर दिया स्कोर, पाई बाई टू वाली पे आती तो चेंज होगा, पाई बाई टू वाली लाइन पे आते ही ये चेंज हो जाएगा, तो चेंज होगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोजेक, कोजेक का सेक थीटा, ठीक है स्टूडेंट। इतनी बात क्लियर हुई, कोई डाउट है? यानी हमने क्या किया, हमने अब जो पोजीशन है एंगल की वो डिसाइड किए पाई बाई टू वाली इस लाइन के ऊपर बेस्ड करके, और यहां से फिर एंगल की पोजीशन आपको पता ही है चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसको चेंजिंग लाइन नाम दिया जाता है, कि इसके अकॉर्डिंग जब भी पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से आपको। फिर बारी आती है प्लस की, इसी के अंदर कर देता हूँ प्लस, साइन को थोड़ा सा ना रिमूव कर देता हूँ, देखिए आगे प्लस यदि मैं करूँ सीधा, तो स्टूडेंट्स जब मैं यहाँ पर 3π/2 + θ करूँगा, जब मैं यहाँ पर 3π/2 + θ करूँगा, तो अब आप ये देखिए 3π/2 + θ कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें थोड़ा सा ऐड करूँ, अभी आपको मैंने जो रीजन बताया था ये याद रखना, आपको कि सर 90 से अबोव क्यों नहीं हो सकता, कि 90 से प्लस ज़्यादा होते ही वो क्वाड्रेंट ही चेंज कर देगा, इसलिए, लेकिन हमें क्वाड्रेंट चेंज नहीं करना, इसलिए हम वैल्यू ये रख दें एक बार, ठीक है। तो 3π/2 + θ फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप सब जानते हो कोस और सेक का जो रिजल्ट होता है वो होता है पॉजिटिव, बाकी सब का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। यानी सेक के इक्वल जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, कोस के इक्वल जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब का जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। और चेंजिंग लाइन पे आ रहा है तो ये आप समझ गए हो, इन सबको मैं चेंज कर ही दूंगा, ठीक है। फॉर्मूले हो गए जनरेट। लास्ट 2π - θ, तो यहाँ से तो आ गए, यहाँ से और आ जाते हैं, तो जो स्टूडेंट लास्ट एंगल रह गया वो रह गया 2π - θ। तो देखिए तो नेक्स्ट जो हमारा एंगल रहेगा वो रहेगा 2π - θ, ठीक है। तो एंगल एक बार लिख लेते हैं हम, साइन 2π - θ, कोस 2π - θ, टेन 2π - θ, कोट 2π - θ, sec 2π - θ, और जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा हमारा cosec 2π - θ। स्टूडेंट आप क्वाड्रेंट जानते हो, यदि हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हैं तो cos और जो sec है उनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब की वैल्यू क्या हो जाएगी,
नेगेटिव, लेकिन बस अब ये देखना है कि जो एंगल है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे आइए, इस लाइन के अकॉर्डिंग जब आप उसकी पोजीशन डिसाइड करोगे, निर्धारित करोगे, तो क्या वो चेंज होगा? तो जवाब यही होगा कि वो चेंज नहीं होगा। तो वो चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ये माइनस फोर थीटा हो जाएगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा, एंड दिस इज सेक थीटा। ठीक है, क्लियर आ गई। अब स्टूडेंट एक छोटी सी बात जो और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, भाई मैंने आपको स्टार्टिंग से एक बात कही थी कि एंगल की दो तरीके की डायरेक्शन होती है। एंगल की कितने तरीके की डायरेक्शन होती है? दो, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज और एक होती है क्लॉकवाइज। मेनली जो हमारी डायरेक्शन होती है हम लेके चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो पॉजिटिव साइन होता है एंगल का। लेकिन यदि डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाए, यदि एंगल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाए, तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा साइन आ जाता है एंगल पे? नेगेटिव साइन। तो अब यदि मैं इस एंगल की पोजीशन जीरो के अकॉर्डिंग डिसाइड करूँ, यदि मैं एंगल की पोजीशन जीरो के अकॉर्डिंग डिसाइड करूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लिया जाए कि मैं यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में थीटा की ओर आया, और वो थीटा कितना है? माइनस थीटा होगा। फिर भाई जीरो के अकॉर्डिंग जो थीटा है वो क्या होगा? माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो कुछ ऐसे नहीं हो जाएगी क्या? कि साइन ऑफ माइनस थीटा कोस ऑफ माइनस थीटा टेन ऑफ माइनस थीटा कोट ऑफ माइनस थीटा सेक ऑफ माइनस थीटा एंड कोसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल में रिजल्ट वही रहेगा। यानी यहाँ से एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाता है स्टूडेंट की, जब कोस के अंदर माइनस थीटा आ जाए और सेक के अंदर माइनस थीटा आ जाए, तब उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको बता दूँ, 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पे सेक होगा और यहाँ पे कोसेक होगा। तो 2 पाई है तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? ऊपर वाले तो चेंज नहीं किया, नीचे वाले से चेंज कर दिया था। 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पे सेक आएगा, यहाँ पे कोसेक आएगा, ठीक है? तो sec माइनस थीटा और cos माइनस थीटा का जो कॉन्सेप्ट है वो cos और sec ही देगा आपको, बाकी क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन, क्योंकि एंगल की डायरेक्शन। अब यदि आप इस पे थोड़ा सा ज्यादा और बढ़ जाते हो, यानी मैं ये लिख दूं इस एंगल को माइनस पाई बाई टू प्लस थीटा, ये एंगल कहाँ होगा? तो ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। याद रखना, माइनस साइन लगने का मतलब डायरेक्शन आप यहाँ से इस साइड में नापोगे, तो उसके अकॉर्डिंग बस आप याद रखो पाई बाई टू के अकॉर्डिंग है। तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, वो चेंज करना ही आपको, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन लगाना है। तो अब देखिए स्टूडेंट, आपको ये जो फॉर्मूलों का डिस्कशन है, यानी एंगल के अकॉर्डिंग चलना है, अभी तक हमने और फॉर्मूले नहीं किए, हमने सिर्फ सिंपल भी ये पता करना कौन सा क्वाड्रेंट होगा और बड़ा एंगल हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बनेगा, उनके ऊपर स्टूडेंट हमने चर्चा की है। यदि यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको कुछ एकाधिक क्वेश्चन या एग्जांपल करवा रहा हूँ जो आपकी बुक की ही है, जिससे ये प्रोसेस जो हमने की है वो क्लियर हो जाएगी आपकी एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है? तो स्टूडेंट मैं कुछ क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जो आपके 3.2 एक्सरसाइज के हैं, जो 3.2 एक्सरसाइज के स्टूडेंट, मैं कुछ आपके क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ जिनको अब हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो उनको आप देखिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सारी जानकारी समझ आ गई होगी, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपकी आगे तक जहाँ तक हम मैथ चलती है वहाँ तक ये काम आती है, ठीक है? तो बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक आधे क्वेश्चन करके देखते हैं, जिससे आपको कोई यदि इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगा। लिखे स्टूडेंट आगे रुकना, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 8, ये दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस लेक्चर में आपको मैं। एक बार आपको दिया है स्टूडेंट साइन 765 डिग्री, ठीक है? तो अब जितना आपको बताया गया है वो सारा अब हमारे यहाँ काम आएगा। आपको कैसे? तो सबसे पहले इस बात को समझो,
फिर मैंने आपको पहले ये कहा था कि पोजीशन पता करो वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थीटा कितना है। तो देखिए साइन 765 को यदि मैं 90 से डिवाइड करता हूँ, देखिए आप सिंपल सी प्रोसेस 90 से डिवाइड करके देख लो, वैसे तो 180 से कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 90 से करूँगा मान लीजिए 1 पे तो डायरेक्ट जाएगा ही नहीं, ये कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा, यानी ये आ गया 8π/2। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, वैसे ये डायरेक्टली लिखने वाली बात है, एक एक बात ये नहीं है कि हम डिवाइड करके बताया जाए, सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर आगे की प्रोसेस स्टूडेंट आप जानते हो डायरेक्टली चलेगी। ठीक है, 90 से डिवाइड किया तो 8, यानी 90 है वो 8 टाइम आया, तो इसको 8π/2 लिखूंगा तो ये कितना आया 4π। अब स्टूडेंट आप सब जानते हो आपका 4π यहाँ होता है, 45 एक्स्ट्रा है तो इसमें ऐड किया 45 यहाँ, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, मुझे पोजीशन पता चल गई, थीटा की वैल्यू 45 पता चल गई, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन 4π+θ, और 45 लिखा जाएगा स्टूडेंट, और 4π एज ए जीरो की जगह होता है, तो इसको जीरो भी मैं लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 + 45 डायरेक्टली क्या हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा, समझ में आई बात, यहाँ पे जीरो होता है तो जीरो यूज कर लूँ मैं, तो 0 + 45 क्या होगा, साइन 45 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव, और इस लाइन के अकॉर्डिंग प्रोसेस है तो वो चेंज भी नहीं होगी, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। बात समझ आई, तो देखिए कितना सरल है ये, या आपको एक बार नई चीज़ है तो आपको प्रोसेस हो सकता है टफ लगे, लेकिन स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस 2 या 3 लेक्चर किए हैं उनके अंदर आपको जितना भी बेसिक फॉर्मूला बताया गया है, बेसिक प्रोसेस बताई गई थी, वो सारी के सारी आप याद रखते हो तो फिर मान के चलो आपको कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। इतनी बात समझ आ गई होगी, तो एक एग्जांपल और करवा रहा हूँ, वो देखिए 10 19π/3। आपके सबसे पहले कंफ्यूजन हो गया कि पता कैसे करें, तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, 19 को 3 से डिवाइड कीजिए, 19 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो 19 को 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या जाएगा, 6 पे जाएगा, तो 6π + π/3 होगा, पता चल गया। हाँ, बस वैल्यू वो रखो जो 90 से थीटा लेस बनना चाहिए, कई बार माइनस भी बनाना पड़ जाता है, यदि यहाँ पे 20 होता ना तो 2π/3 90 से ज़्यादा हो जाता है, 120, तो यहाँ पे फिर हम लिखते हैं 7π - π/3। ठीक है, थोड़ा सा वो याद रखोगे, तो डिवाइड किया तो 6π + π/3। अब वही लाइन पे आओ, 6π कहाँ होता है, यहाँ होता है, 6π ये हो गया यानी 0, तो 0 + π/3 क्या हो जाएगा, 10π/3, क्योंकि +π/3 ऐड करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, और यहाँ इसके अकॉर्डिंग पोजिशन डिसाइड हो रही है तो पॉजिटिव, 10π/3 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 3। एक और हो गया, एक लास्ट आज के लेक्चर का कोट माइनस 15π/4, जो आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोट ऑफ माइनस 15π/4। तो स्टूडेंट इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, सबसे पहले नेगेटिव, तो नेगेटिव एंगल डायरेक्शन में जब आप मेजरमेंट करोगे तो कुछ इस तरीके से, तो पहले नेगेटिव साइन को सॉल्व कीजिए, तो आपको बताया गया था जो कोट माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, माइनस कोट थीटा, तो कोट को पहले आगे ले, माइनस को बाहर निकाल दो, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में साइन चेंज हो जाता है इनका। ठीक है, अब बारी आती है इसको सॉल्व करने की, तो 4 को 15 से मैं डिवाइड करूंगा तो 12 3 पे जाएगा, लेकिन 3π/4 थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाती है, तो इसको मैं 16 पे ले जाऊं फिर, तो 4 × 4 = 16 होता है, तो इसको ऐसे लिख दो ना, 4π - π/4। आपको इस तरह से लिखने की जरूरत क्यों है, तो बेटा जरूरत इस वजह से है क्योंकि जो एंगल है वो 90 से के कम रखना अपने को, क्योंकि 90 से ज़्यादा होगा तो वो क्वाड्रेंट बदल रहेगा, तो अपने को एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं चलेगी। अब इसके आगे नेगेटिव साइन तो लग गया 4π, स्टूडेंट वही आ गई, ये रहा आपका 4π, इससे आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, माइनस, तो यानी क्वाड्रेंट नंबर 4th क्वाड्रेंट में आ गए आप, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, 4th क्वाड्रेंट में, यानी चौथे चतुर्थांश में आ गए, तो यहाँ से कोट नेगेटिव होता है तो एक और नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो देखो नेगेटिव वाला कंसेप्ट तो हो ही गया समाप्त,
क्लियर हो गया कि नेगेटिव माइनस थीटा है तो एक नेगेटिव वैसे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट वैसे ही नेगेटिव होता है तो दो नेगेटिव साइन पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग प्रोसेस चेंज नहीं होगी तो सीधा आएगा कोट पाई बाई फोर दिस इज इक्वल टू वन। तो हो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको इस लेक्चर के अंदर दी गई जितनी भी जानकारी है वो सारी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों आपके कुछ और क्वेश्चन और कुछ और बेसिकली जो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के उनके ऊपर बेस्ट रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।